रीवा नगर निगम के जोन 4 में अधिकारी के न मिलने पर वार्ड 40 के नव निर्वाचित पार्षद ने अधिकारी का लापता होने का लगाया पोस्टर। अधिकारी के न मिलने पर परेशान हो रहे हैं लोग। रीवा नगर निगम के जोन 4 में अधिकारी के न मिलने पर वार्ड 40 के नव निर्वाचित पार्षद ने अधिकारी के लापता होने का लगाया पोस्टर। अधिकारी के न मिलने पर परेशान हो रहे वार्ड के लोग, ऐसा उनका साफ तौर से कहना था। उन्होंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने टाइम देने से मना कर दिया, यहाँ पर आने से मना कर दिया। उनका साफ तौर से कहना था अभी उनके पास वक्त है। लापता लापता लापता। रीवा में जोन क्रमांक 4 में अधिकारी के ना मिलने पर पार्षद व वार्ड के लोगों ने लगाया अधिकारी का लापता का पोस्टर। अभी हाल ही में रीवा नगर निगम के 45 वार्ड के पार्षद पदों के चुनाव संपन्न हुए महापौर पद के साथ। नव निर्वाचित पार्षद ने अभी हाल ही में शपथ ली है। शपथ लेने के बाद तत्काल ही पार्षद चाहते हैं उनके वार्ड की समस्याओं को लेकर नगर निगम तत्काल प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करे। इसके लिए वो अपने वार्ड के लोगों को लेकर जोन कार्यालय पहुंचने लगे। हम आपको बता दें, नगर निगम रीवा ने शहर को 4 भागों में बांट रखा है, जिनके नाम जोन 1, 2, 3, 4। आज 40 वार्ड की पार्षद ने अपने जोन 4 में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। 40 वार्ड से नव निर्वाचित पार्षद नीलू कटारिया एवं वार्ड के वासियों द्वारा नगर निगम के जोन क्रमांक 4 के अधिकारियों की तानाशाही को लेकर एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम के जोन क्रमांक 4 में अधिकारी के ना मिलने के कारण लापता का पोस्टर लगाया एवं पार्षद द्वारा अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा कि वार्ड क्रमांक 40 में राशन कार्ड एवं आवास योजना में किए जा रहे धांधलीबाजी एवं पैसे की मांग की जा रही। वार्ड के नागरिक द्वारा आज पार्षद से शिकायत की गई। नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया गया, जिसके बाद पार्षद पहुंची नगर निगम जोन, वहां कोई भी अधिकारी नहीं मिला, जिसके बाद वार्ड पार्षद एवं वार्ड के लोगों ने लापता का पोस्टर लगा अपना विरोध जताया। माना जा सकता है नव निर्वाचित पार्षद चाहते हैं अब वार्ड की समस्या का तत्काल ही अधिकारियों से मिलकर वह दुरुस्त कराए, जिसके चलते नव निर्वाचित पार्षद अपने अपने जोन में पहुंच रहे हैं। उसी के चलते आज वार्ड 40 की नव निर्वाचित पार्षद अपने जोन 4 में पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के ना मिलने पर अधिकारियों के लापता होने का पोस्टर ही जोन में लगा दिया। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में पार्षद और उनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इसकी पार्षद हूँ और यहाँ समस्या बहुत है। यहाँ के जो अधिकारी हैं कुछ सुन नहीं रहे, समय भी नहीं दे रहे हैं, और फोन किया जाता है तो कहते हैं समय नहीं है, टाइम नहीं है, देखते हैं। इसीलिए हमारी वार्ड की जो जनता है सब इकट्ठा होके आए हैं और यहाँ भी आए तो लापता हैं, इसीलिए हम लोगों ने चस्पा कर दिया है। लापता का पोस्टर लगा, हाँ हाँ लापता का पोस्टर लगा दिया है। अभी भी वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, अपने केबिन में है ही नहीं और सब परेशान हैं। अब जिताए हैं तो मेरे पास आ रहे हैं कि काम कराइए, अब काम यहीं से होना है। और यहाँ पे हो गया बहुत भ्रष्टाचार वाला, वो चल रहा है, बिना पैसे के कुछ हो नहीं रहा। किसी प्रकार मतलब इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि जोन में तो रहते नहीं हैं। अभी हमारी बात हुई, 2 दिन पहले भी बात हुई, कल भी बात हुई, यहाँ भी आए, मतलब वो मिलते ही नहीं हैं। उनके कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है मिलने के लिए। अब वार्ड की जनता परेशान है और जो वोट पड़ा है, ये जो नीलू कटारिया पार्षद बनी है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट पड़ा है, इसके लिए इनको जिताया गया है। और यहाँ वार्ड 40 में मतलब चरम पे है भ्रष्टाचार, चाहे बाबू हो अधिकारी हो। अधिकारी देख लीजिए, हमने चस्पा करवा दिया है लापता का, हैं। अब वो बाबू है, टोर है, मुहर्रिर करके कौन है, सहायक निरीक्षक कौन है, वो भगवान दीन, वो सलगी योजनाएं लेके घूम रहा है, घर घर जा रहा है। ये जनता का कहना है कि पैसा मांगा जा रहा है 5 से 10 हज़ार, मतलब समग्र आईडी का नाम लिखवाने के लिए 700 रुपये लग रहे हैं, गरीबी रेखा नाम लिखाने 5,000 रुपये लग रहे हैं, आवास योजना में डालने के 50,000 रुपये लग रहे हैं। ये भगवान दीन हो गए, ये राजेश सिंह हो गए, ये सब लूटा लूट मचाए हुए हैं।
ये जनता ऐसा कह रही है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। इसीलिए हम लोग आए हैं वार्ड के लोग इनसे मिलने। आज भी आप देख लीजिए आपके चैनल के माध्यम से घोर लापरवाही है। अधिकारी, बड़े अधिकारी हमारे नगर निगम से इनके ऊपर कार्रवाई करें।